मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये बाय जो ये हमारे हीरोज की फोटोज लगी हुई है, इसमें कोई फीमेल खवातीन मुस्लिम फीमेल साइंटिस्ट हैं, पर यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये लगाए गए हैं क्योंकि मोस्ट जो फेमस हैं वो यही लोग हैं, जैसे अरफा करीम, बेनज़ीर भुट्टो, मलाला, इनकी तस्वीरें यहाँ पे क्यों नहीं लगी? लेकिन वो साइंटिस्ट में नहीं आते, वो फेमस पर्सनालिटीज़ में आती हैं, तो एज फेमस पर्सनालिटीज़ उनकी भी होनी चाहिए यहाँ पे तस्वीरें, पिक्चर लगनी चाहिए। बिल्कुल आपकी कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है, फीमेल का बड़ा रोल रहा है, हमारे मुल्क की 51% आबादी फीमेल है, तो इनकी बड़ी सर्विसेज हैं, उनकी भी पिक्चर लगनी चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फ़ोटो लगाने का मकसद होता है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी सर्विसेज को मानना और अगले लोगों को दिखाना, नई नस्ल को कि ऐसे लोग थे, इन्होंने काम किया, आप भी ऐसा बन सकते हैं, तो कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है जेंडर डिफरेंस। बेटा ये एक तो सबसे पहले ये देखेंगे ये बॉयज़ कैंपस है, एक तो ये वजह भी हो सकती है, आपको पहले भी पता है कि फ़ीमेल्स यहाँ पर बहुत कम है, ये आपसे किसने कह दिया कि फ़ीमेल की अहमियत नहीं है? ठीक है, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोजे दरूँ, तो आपको चाहिए ना कि आप अपने सर को मशवरा दें कि यहाँ पे फ़ीमेल की भी तस्वीरें जो हैं वो होनी चाहिए, तो ठीक है। और ये जो ऊपर आपने देखी हैं फ़ीमेल की तस्वीरें जो आप कह रहे हो कि एक आध लगी हुई है, ऐसे ही कह रहे हो ना, तो ये उन लोगों की, आपने मुझे ऊपर लिखी हुई हैडिंग उसको भी गौर से पढ़ना था कि जिन्होंने स्कूल के बारे में लिखा है, तो फिर एक ही फीमेल ने लिखा होगा इसीलिए फिर उसकी तस्वीर लगी होगी ना कि बिल्कुल होनी चाहिए, और हम ज़रूर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद अपनी फीमेल्स को इन मामलों में इन्वॉल्व करें ताकि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। वो तो इक्वलिटी है, जैसे आपको पता है इस्लाम में भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं, तो औरत को उतना ही राइट है, तो अगर आने वाले दौर में कोई ऐसा होता है कि कोई फीमेल इस लेवल पे आती है तो डेफिनेटली उसकी पिक्चर्स भी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ख्वातीन जो हैं पाकिस्तान में वो 52% हमारी आबादी का हिस्सा हैं, ठीक है, उनमें से अगर कोई खातून ऐसी है जिसने कि अच्छा काम किया है और प्रोमिनेंट हुई है वो मुल्की लेवल पे या गैर मुल्की लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। जो कुछ फीमेल साइंटिस्ट हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, लाइक मैडम क्यूरी हैं, ठीक है, शी वर्कड ऑन द रेडियो एक्टिविटी, तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली ज़्यादा है मेल साइंटिस्ट, इसकी वजह से ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया जाता है।